सो क्या बोल रहे हैं देखो, एग्जाम्पल 3.1 हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, हम आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जितना टाइम बचा है उतना। सो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटाइल क्लोराइड है CH4H9Cl एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, तो डिफरेंट टाइम में ब्यूटाइल क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो एकदम स्टार्टिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो, क्या चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, तो उसी से हमें एवरेज रेट मिल जाएगा ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये हमें गिवन है। सो फाइंड करना है, अरे सिंपल है क्या, जैसे कि टी इज इक्वल टू जीरो पर तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, फिर टी इज इक्वल टू सपोज 50 सेकंड के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर पहला अगर मुझे एवरेज रेट फाइंड करना है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा आंसर, वो क्या शो कर रहा है कि डिक्रीजिंग। ओके, तो वो हम लिख देंगे वर्डिंग में कि इट इज डिक्रीजिंग। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है जैसे कि माइनस ऑफ डी ऑफ से आर डिवाइडेड बाई डी टी, यही हमारा फॉर्मूला है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, ये दिस इज इक्वल्स टू क्या था, ये तो हमारा किसका फॉर्मूला है, रेट का फॉर्मूला। तो रेट का फॉर्मूला हमने क्या बोला था कि रेट इज इक्वल्स टू दिस, यही बोला था ना, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। ये कब, रिएक्टेंट लिया है तो माइनस, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वॉट अगेन सेम रेट। ये आंसर, ये आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये साइन क्या शो कर रहा है कि ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये हमारा बेसिक था, डन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बेसिक था। तो डी आर बाई डी टी मतलब डी आर मतलब क्या, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर रेट निकालो तुम यहां से, हमें गिवन ही है, सो पहले केस में अगर तुम रेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, से 50 वाला है और ये वाला है, पहले केस में ये मतलब 0 और 50 वाला केस, तो क्या हो जाएगा 0.095 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 50 माइनस 0, दैट्स इट। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया पहला रेट, देखो कितना हो गया 0.0905 माइनस 0.1, ओके, डिवाइडेड बाय 50, सो रेट कितना है तुम्हारा माइनस ऑफ 1.9 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, ओके, दिस इज द रेट, और यूनिट क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन हो वो डिवाइड बाय टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन किसमें गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मोलारिटी में, मोल पर लीटर, तो वो है मोल पर लीटर और टाइम, डन, सेकेंड, तो दिस इज माई रेट, दैट्स इट, खत्म, एवरेज रेट मिल गया, सिंपल है, ऐसे ही तो फाइंड करते थे हम। और लिख देना सेंटेंस में, हियर वी आर कंसिडरिंग और वी आर फाइंडिंग द रेट फॉर द रिएक्टेंट, दैट्स वाई ऑल द टाइम वी आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो उसको पॉजिटिव बनाना हो तो पहले से ही माइनस डी आर बाई डी टी लिखो, या फिर वैल्यू फाइंड करोगे माइनस, तो तुम्हें सिर्फ लिख देना है माइनस साइन शोज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट, डन। तो वैसे ही सबका फाइंड करो, फिर ये 50 सेकंड के लिए, फिर 100 और 50 के लिए, फिर 150 और 100 के लिए, 200 और 250 के लिए, सबके लिए फाइंड कर सकते हैं ऐसे ही। देखो तो देखो, ये 10 रेज टू माइनस फोर कहाँ से लेके आ गया, प्लस 4 आएगा ना, ओके, गलत है, फिर आंसर तो प्लस 4 में आ रहा है, 0.0905 0.1 डिवाइडेड बाई 50, यस उनका गलत है। ओके, सो आंसर किस में आएगा, प्लस 4 में आएगा, सो देखो 1.9 आ गया, फिर 1.7, और पर्टिकुलरली देखो वो वाला साइन चेंज रखना, और यहाँ पर देखो उन्होंने सारा प्लस लिखा हुआ है, सो हम तो लिख देंगे क्या कि माइनस साइन शोज दैट, ओके, वैसे करके लिख दो, और फिर सबके लिए रेट फाइंड कर लो, जैसे दूसरे के लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं, देखो तो दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली दूसरे के लिए क्या होगा, से 0.0820 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा, 100 माइनस 50 तो 50, तो उसके लिए आंसर आएगा हमारा 0.0820 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाय 50, 1.7, यस करेक्ट है।
तो हमारा आंसर क्या आया -1.7 × 10⁴ और क्या आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड। तो ये सेकंड केस में रेट वन है, ये क्या है रेट टू। डन, समझ में आया? वैसे ही सारे फाइंड कर लेने, सिंपल है ये तो, फॉर्मूला हमारा ये है। और तुम बोल दो पहले से ही एक सेंटेंस लिख लो, वी आर गेटिंग ऑल द रेट माइनस बिकॉज माइनस साइन शोज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज। वैसे एक सेंटेंस लिख लो ओके, और फिर सारी वैल्यू प्लस लिखनी हो तो प्लस भी लिख लेना, बट सारी वैल्यू प्लस लिखो इनके जैसे तो फिर एक सेंटेंस लिख लेना। सेंटेंस ना लिखोगे तो फिर तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा माइनस के साथ ओके। तो एक पहले एक फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिख लो उसमें बता दो, उसके बाद ये फॉर्मूला के बाद सेंटेंस लिख लो, माइनस साइन शोज दैट द रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और से विद द पैसेज ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, देयरफॉर रेट वी आर गेटिंग नेगेटिव। इतना लिख दिया, अब कैलकुलेशन करोगे तो सारी वैल्यू प्लस कर दो चलेगा ओके डन। लेकिन प्लस करोगे तो फिर ऐसे ही माइनस करना, अगर ऐसे ही माइनस करोगे तो आएगा ही नहीं आंसर, कोई करके देखेगा बोले ये माइनस आया और प्लस दिखा है, ऐसा सोचेंगे ओके। तो फिर हम C2 - C1 नहीं करेंगे और से R2 - R1 नहीं करेंगे, R1 - R2 करेंगे। अगर प्लस लाना है तो R1 - R2 ही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड ओके। सो बुक के अकॉर्डिंगली करना हो तो अदरवाइज बाय लॉजिक बाय थियोरिटिकल मैनर सही सही सेंस में जाना हो, हमारा फॉर्मूला ये है, यही फॉर्मूला यूज करोगे तो जो माइनस वाला आंसर आएगा उसको माइनस में ही रखो। अंडरस्टूड पक्का? ओके दैट्स इट, बस इतना ही फाइंड करना है सबके लिए। वही पूछा है ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यस वही पूछा है, वही बोला है ओके। सो आर एवरेज हमें मिल गया। अगेन ये गलती है, हाँ 10⁴ नहीं आ रहा है, 10⁻⁴ आंसर आ रहा है ओके। नहीं सही है, रुको एक बार कर लेते हैं, 0.0905 - 0.1 is by 50, so 1.9 × 10⁻⁴, yes minus 4 ही आ रहा है, करेक्ट है, हमने जो किया है वो करेक्ट है। सो यहाँ देखना बुक में गलती है, यहाँ पे प्लस 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने प्लस कर दिया है, तो अगर बुक के अकॉर्डिंगली जाना है तो भी ये प्लस मत लिखना क्योंकि वो तो गलती ही है ओके। अगर ये आंसर प्लस लिखना है तो तुम्हें ये लिखो पहले, फिर सेंटेंस लिखो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, दैट्स वाई माइनस साइन है ओके। और फिर तुम्हें अगर प्लस में आंसर लाना हो तो R1 - R2 करो ओके, अदरवाइज बाय द डेफिनेशन जाओगे तो सारे आंसर क्या आएंगे नेगेटिव। तो मेरे पर्सपेक्टिव से तो जो आंसर आए वही रखो ओके, क्यों हम चेंज करें? एक सेंटेंस लिख लो, भले ही तुम प्लस ना करो, सेंटेंस लिख लो, फॉर्मूला लिखा सेंटेंस लिख लो, और ऐसा हो तो सारे एवरेज फाइंड करके लास्ट में भी लिखो माइनस साइन इन ऑल, और फिर उसको अंडरलाइन भी कर दो, माइनस साइन इन ऑल द रेट आंसर शोज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स इट। तो जो सही सही है वो करो, ये इन्होंने प्लस कर दिया है, देखो प्लस कर दिया है लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे माइनस है, देखो दिख रहा है प्लस तो किया है लेकिन यहाँ पर क्या किया है माइनस क्या है, T2 - T1, लेकिन T2 - T1 का आंसर क्या आएगा माइनस है। अंडरस्टूड? तो वो माइनस उन्होंने ऊपर लिखा है और अंदर लिखा नहीं है, वैसे 10⁴ ऊपर लिखा है अंदर लिखा नहीं है। तो हमें फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम सिंपली हमारा टेबल बनाएंगे, तो हमारा टेबल हम इसी के हिसाब से बनाएंगे। तो हम पहले तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, सो से रेट इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही लिखना है ना, क्योंकि हमें किसका गिवन है C4H9Cl, मतलब कि ब्यूटाइल क्लोराइड का ही गिवन है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही लिखना है। सो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है माइनस ऑफ dr डिवाइडेड बाय dt, ये पहले लिख लो, फिर हमारा सेंटेंस लिखो, सेंटेंस क्या लिखेंगे, माइनस साइन शोज दैट हियर नेगेटिव साइन shows that concentration of reactants decreases with time. Okay, pehle for since we know that
रेट इज इक्वल टू दिस, डन। ये पहले लिखा, फिर सेंटेंस लिखा, और अब हम जो गिवन है डेटा उससे फाइंड करेंगे। सो से रेट वन, ओके, और से आर वन और से रेट वन, दैट इज इक्वल टू, हम हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाएंगे, तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन है, सो हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, से वो अगर हम ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाए तो अब हम क्या करेंगे, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन में अभी माइनस ऑफ, माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा, ओके। सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, रेट ही फाइंड करना है ना, तो रेट में यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया है हमने, तो अब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है यहाँ पर, से आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ओके। ऐसे अगर हम लेंगे R2 माइनस R1, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन के साथ अगर लेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड। अगर माइनस साइन के साथ लेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ओके। सेंटेंस भी हमने लिख लिया है, सो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, डन, ओके। और अब उसकी वैल्यू पुट कर लो, तो उसकी वैल्यू क्या है, से आर वन, आर वन की वैल्यू क्या है, से जीरो, ओके, आर वन माइनस आर टू, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट वन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टू वाला, जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो फाइव, और टी टू यहां पर तो वही है, देखो माइनस यहां गया है, यहां पर तो वही है, सो टी टू क्या है, फिफ्टी माइनस जीरो, तो आंसर हमारा आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.1 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाय 50, सो दैट इज 1.9 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर सेकंड, ओके। तो ये आया हमारा क्या, रेट 1, प्लस क्यों आया आंसर, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है वो, तो माइनस साइन को हमने पहले से लिखा, अभी रेट हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, इसलिए हमने माइनस साइन लिखा हुआ है, अदरवाइज माइनस साइन के बगैर अगर हम आर टू माइनस आर वन करेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस ही आंसर आएगा, क्योंकि आर टू कम है आर वन से, आर वन ज्यादा है, आर टू कम है, सो आर टू माइनस आर वन करेंगे तो स्मॉलर माइनस बिगर माइनस में आंसर आएगा, वो माइनस में, रेट को हम माइनस में शो ना करें इसलिए हम पहले से माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज माय आंसर, रेट वन, ओके। तो वैसे ही सारे रेट फाइंड करने हैं, ओके, ये पहला था, ये आर वन, ये आर टू, मतलब ये आर वन, ये आर टू, ये टी वन, ये टी टू, ओके, फिर ये दूसरा, ओके, तो दूसरे के लिए कौन सा 50 100, तीसरे के लिए 100 150, चौथे के लिए 150 200, डन। तो वैसे ही सारे अभी ये तो कर लोगे ना, सिंपली यही सेम फॉर्मूला पुट करते जाओ तो सारा का सारा टेबल मिल जाएगा। देखो 1.9 into 10 raise to minus 4, ये गलती याद रखना, 10 raise to 4 नहीं है, 10 raise to minus 4 है, डन। तो रेट को हम नेगेटिव शो नहीं करना चाहते, इसलिए फॉर्मूला में हमने नेगेटिव लिया हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंगली हमने गिना है, तो ये रेट वन, रेट टू, रेट थ्री, रेट फोर, फाइव सारे गिन सकते हैं, डन। तो हाईएस्ट रेट हमें मिल रहा है देखो 1.9 और लोएस्ट रेट मिल रहा है 0.4, दैट्स इट, बस खत्म। हमें तो यही फाइंड करने को बोला था ना कि एवरेज रेट फाइंड करो, तो कर दिए, अंडरस्टूड, सिंपल था, ओके। सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉर्मूला हमारा ये है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है वो भी लिख दिया, अब वो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडरस्टूड, पक्का, कोई डाउट नहीं है ना।